दोस्तों आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा लेटर लिखना जो है छुट्टी के लिए लेटर, जो हम लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, स्कूल में जब पढ़ते रहते हैं तो स्कूल में क्या बोलते हैं, लेटर लिख के आओ नहीं तो स्कूल में नहीं आने दूंगा। तो सिंपल सा कैसे आप लोग लेटर लिख सकते हो, वो भी 2021 का न्यू पैटर्न में आप लोग को बताऊंगा। सिक लीव एप्लीकेशन, सिक लीव एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हो, वो भी 2021 का न्यू पैटर्न आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले हम लोग न्यू ओल्ड पर्सन में क्या लिखते थे, पहले अपना नाम इधर लिख देते थे अपना पूरा, फिर उसके नीचे क्या लिखते थे जिसको भेज रहे वो लिखते थे, उसके बाद ये जो थैंक यू इधर लिखते थे, और जो अपना जो बचा रहता था योर ओविडेंटली इस साइड में आता था, वो सब पैटर्न चेंज हो चुका है। 2021 का जो है न्यू पैटर्न है, कौन सा है सिंपल सा मैं पूरा अच्छी तरीके से लिख के आप लोग को बताता हूँ, एक एक स्टेप बताऊंगा। तो सिंपल सा सबसे पहले क्या है, टू आएगा और कॉमा, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से, तभी नंबर पेपर में भी मिलेगा, आता है पेपर में भी तीन नंबर के लिए चार नंबर के लिए। क्या है सबसे पहले क्या लिखना है, टू जिसको भेज रहे हो उसका पूरा सिंपल सा टू, उसके बाद कॉमा लगाना, टू प्रिंसिपल, टू प्रिंसिपल, फिर कॉमा, और यहां मैं योर स्कूल नेम लिखा हूं, योर स्कूल एड्रेस लिखा, जिसको जो जरूरत है जो है जिस स्कूल में वो स्कूल का अपना एड्रेस स्कूल का नाम डालेगा। योर स्कूल नेम डालने के बाद क्या करना, कॉमा लगाना है और स्कूल एड्रेस डालना, क्या डालना है स्कूल एड्रेस, तो स्कूल एड्रेस जिसका जहां पे वहां डाल देगा, उसका डेट, डेट में एक सब लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं सिंपल सा ऐसा लिख देते हैं 8 और 9 और 2021, ऐसा नहीं लिखना आप लोग को, सिंपल सा 8 तो वही लिखना है, फिर उसके बाद ए जो है ना उसको एस सी पी टी ई एम बी ई आर सितंबर, उसका 2021 इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखोगे तब क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद इस तरीके से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। अब आता है नीचे, उसके बाद सब्जेक्ट, जो हम लोग सब्जेक्ट बीच में लिखते थे वो भी गलत था, अब क्या आ गया न्यू पैटर्न 2021 में, सब्जेक्ट एकदम एक लाइन से, सब कुछ एक लाइन से आना चाहिए। क्या है सबसे पहले, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक मतलब क्या होता है बीमारी, और लीव मतलब छुट्टी, एप्लीकेशन मतलब पत्र होता है इस तरीके से। अब उसके नीचे सब्जेक्ट हो गया, उसके नीचे क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जिसको आप लोग भेज रहे हो उसका आ जाएगा। उसके बाद नीचे जस्ट उसी रिस्पेक्टेड के जस्ट नीचे क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब उसको लास्ट नाइट से क्या आ रहा है, फीवर, फीवर मतलब क्या होता है, बुखार होता है। द डॉक्टर हैड एडवाइस मी टू टेक 3 days रेस्ट, मतलब 3 दिन के लिए उसको क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस किया है, तो उसके लिए वो लेटर लिख रहा है सर को अपने, हेंस काइंडली ग्रेंट मी लीव फ्रॉम, अब जहां से जिस तारीख से आपको छुट्टी चाहिए इधर लिखा स्टार्ट डेट, जहां से आपको चाहिए छुट्टी उस तारीख यहाँ डेट लिख देना, यहाँ पे यहाँ फिलअप कर देना अपना डेट जहां से जब आपको छुट्टी चाहिए, और टू इंड डेट जब लास्ट आपको कितने तारीख को स्कूल जाना है वहां तक का। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे ये वाला सिस्टम उस साइड था यहाँ पे कोने, बाकी वो हट चुका है। 2021 का न्यू पैटर्न जो है सिक एप्लीकेशन लिखने का वो क्या हो गया, नया आया है, तो यहाँ योर ओबीडेंटली लिखना, उसके बाद नीचे जस्ट उसी के लिखना योर नेम, अपना नाम जो उस साइड लिखते तो वहां से हट के कहा आ गया योर नेम, इस साइड नीचे ओबी योर ओबीडेंटली के जस्ट नीचे योर नेम क्लास और रोल नंबर, इतना लिखने के बाद आपको सिंपल सा स्कूल सर को अपने प्रिंसिपल को या अपने क्लास सर को दे दोगे तो 100% आपको क्लास में बैठने के लिए अनुमति दे देंगे, तो परमिशन दे देंगे। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूलना, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, तो इसको अच्छी तरीके से कर लो।